मसूद अहमद खान तजिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर साहब वक्त का, लेकिन क्या कहिएगा, ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, गिरफ्तार खुदकुश बमबारिया खातून अदीला बलोच और इनके वालदैन के हमरा क्या कहेंगी? ये खातून वाजे कह रही है कि जो दहशत गर्द हैं वो वरगला कर खातून को, नौजवानों को, औरतों को इस्तेमाल करते हैं। तो चीज़ बड़ी वाजे हुई है कि इस इंटरव्यू के बाद बलोच रवायात के बरखिलाफ़ और जिस तरह ख्वातीन का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह ख्वातीन को उठा के लेके गए हैं पहाड़ों पे और इनकी जहन साजी करने की कोशिश की गई है, इनको वरगलाया गया जिस तरह उन्होंने बयान किया, बहला फुसला के और इनको सुसाइड बम्बिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। तो मेरा ख्याल में ये बलोच रवायात के खिलाफ है, बलोच माशरे के खिलाफ है। बलोच में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि ख्वातीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और देखें कि पीछे हमने देखा है पास्ट में शेरी बलोच जो थी, पहली खातून थी जो 2022 में अप्रैल में सुसाइड बम्बिंग के लिए इस्तेमाल की गई और BLN ने उसको इस्तेमाल किया। और बेसिकली उनका जो मजीद ब्रिगेड है, और मजीद ब्रिगेड 2011 में बना था और इसको बनाने वाले ये इंडियन रॉ थी और ये बेसिकली इनका सुसाइड ब्रिगेड है और जो इस तरह के हमलों में इस्तेमाल होता है। और इनका एक अलायंस रिसेंटली भी पता चला था TTP के साथ है। आप हमने देखे शहरी बलोच भी, फिर महल बलोच थी और वो भी पकड़ी गई थी, फिर एक नूर जहान लड़की थी वो भी वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ पकड़ी गई थी, फिर एक माहल बलोच थी वो भी पकड़ी गई थी, अब ये अदीला बलोच है जो पकड़ी गई है और जिस तरीके से इसको ट्रेन किया जा रहा था। तो मेरा ख्याल में एक तो इन क्रेडिट जाता है कि अदीला बलोच और उनके वालिदैन जो आज मौजूद थे, इन्होंने अपनी गलती का मान ली है और उन्होंने कहा कि जिस तरह वरगला कर ये लेके जाते हैं, बेटियां उठा के ले जाते हैं, ये बलोच रवायत के बरखिलाफ है। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ये बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने जो एक वुड भी एक सुसाइडल बम्बर थी उसको टाइम से पहले लेके आए और उसको वो मेन स्ट्रीम में लेके ले जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।